डिसलेक्शिया, डिसलेक्शिया वगैरह और की भी जब मैं हिंदी देख रहा था डिसकैलकुलिया की, तो इसकी तो अपट से लेके कुछ इसकी हिंदी दी हुई थी, लेकिन बाकी की हिंदी नहीं है। ज़्यादातर जगह इसको ऐसे ही लिख देते हैं, डिसलेक्सिया, जो हिंदी के वर्ड्स हैं। तो इसी रूप में हिंदी वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई टू द पॉइंट वर्ड इसके लिए है नहीं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, नंबर वन हम लोगों का भी चुके हैं ये। इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग, एक तो ये कि ये लैंग्वेज से है, क्योंकि इसीलिए कहता है कि बाद में जो एक आपने देखा था लैंग्वेज डिफिशियंसी वाली जो बात थी, तो कहीं ना कहीं वो डिसलेक्शिया का पार्ट ही माना जाएगा, लेकिन उसको अलग से लोगों ने डाला है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। सो इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग मुख्य रूप से, इन विच द लर्नर्स हैज ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। मतलब ये जो प्रॉब्लम है जिसमें वर्ड जैसे आप लिखते हैं तो इसको प्रोनाउंस करते हैं क, यदि ये लिखते हैं इस तरह से कुछ तो इसको भी आप डिकोड कर लेते हैं, और फिर इस तरह से यदि इंग्लिश का कोई वर्ड लिखते हैं तो उसको भी डिकोड कर लेते हैं, फिर सेंटेंस बनाने में और फिर पैराग्राफ। तो इस तरह की चीज़ों को समझने में डिसलेक्सिया से संबंधित जिनको डिजेबिलिटी होती है बड़ी कठिनाई होती है। सो लर्नर सफर फ्रॉम डिसलेक्सिया ऑफन फाइंड डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड एंड हियर, रीड एंड हियर। देखिए एक कोऑर्डिनेशन की बात, जो आप पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो जो पढ़ते हैं और सुनते हैं उस दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है हम लोगों को अमूमन, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन वैसे लोगों के साथ नहीं होता है जो डिसलेक्सिया से सफ़र करते होते हैं। दूसरी बात, मेनी डिसलेक्सिक पीपुल आर टैलेंटेड इन अदर एरिया ऑफ लर्निंग। मतलब ये कहा गया कि ये चूंकि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी नहीं है तो दूसरे फील्ड में अदर देन लर्निंग और अल्फाबेट और फिर वर्ड्स या फिर सेंटेंस के अलावा बाकी फील्ड में वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर गुड इन एरिया लाइक आर्ट्स एंड म्यूजिक। मतलब ये पाया गया है कि उन आर्ट्स में, म्यूजिक में, 3D विजुअल परसेप्शन में भी, एथलेटिक्स में और मैथमेटिकल एबिलिटी, मैकेनिकल एबिलिटी में भी वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उनका लैक सिर्फ एक पार्ट करता है कि उनको पढ़ने सुनने आदि चीज़ों में कठिनाई होती है। इन फैक्ट इट इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग स्पेसिफिक, तो चूंकि लर्निंग डिसऑर्डर हमेशा स्पेसिफिक ही होगा। लेकिन फिर भी हमने कहा कि इट इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज। रीडिंग मतलब यहाँ ये आपका जो पार्ट है रीडिंग का, सो रीडिंग इज मोर इफेक्टेड। मतलब ये जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग आपके पढ़ने से संबंधित है, जिसमें आपको दिक्कत होती है रीडिंग और हियरिंग के बीच के कोऑर्डिनेशन पे। दैट इफेक्ट्स रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ट प्रोसेसिंग स्किल्स। मतलब बाकी जो नॉलेज का पार्ट है, मैथमेटिक्स का हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी का हो, मैकेनिकल एबिलिटी का हो, आर्ट का हो, एथलीट का हो, वो सब का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सबकी प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन पढ़ने से संबंधित प्रोसेसिंग डिसलेक्सिया से सफ़र करने वाले बच्चों में नहीं हो पाती है। वो उससे सफ़र करते हैं, मतलब वो वर्ड से, पैराग्राफ से, सेंटेंस से, रीडिंग और हियरिंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। मतलब एक तरह से ये प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जिस प्रोसेसिंग में रीडिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में लर्नर्स को या सफरर को कठिनाई होती है। सो वी हैव कम टू नो डिसलेक्सिया, और याद रखना है यही सब चीज़ें मुख्य रूप से, ये रीडिंग की रीडिंग डिसऑर्डर है। अपट, सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।